चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास वन सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 9 पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहले आप लोग अपनी बुक को निकालें। आपका चैप्टर नेम है एयर यानी हवा, तो मैं आज आपको हवा के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहले आप लोग नोटबुक पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, उसे आप लिख लेंगे। पहले आप देखिए, फर्स्ट वर्ड मीनिंग क्या है आपका, एयर। एयर मीन्स हवा। ब्रीथ यानी सांस लेना। अराउंड चारों ओर। फील महसूस करना, विंड हवा। ब्रीज मंद पवन। स्ट्रॉन्ग यानी तूफान। और स्पेस यानी जगह। ये आपकी कुछ वर्ड मीनिंग है जिसको जानना जरूरी है। अगर आप इसकी मीनिंग को समझते हैं तो आपको लेसन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस यानी हवा चारों ओर। वी आर सराउंडेड बाय एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। इट हेल्प अस टू ब्रेथ एंड रिमेन अलाइव। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट। हम लोग हवा से घिरे होते हैं और हवा हमारे चारों ओर होते हैं, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते। हम लोग हवा को फील करते हैं, लेकिन हम लोग फील कैसे करते हैं, हवा को महसूस कैसे करते हैं, तो आप देखिए, लुक एट द क्लॉक हैंगिंग वन अ वायर, दे मूव टू वन साइड। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कुछ वायर में क्लॉक यानी कपड़े टंगे हुए हैं, और जब हवा मूव करती है तो जो कपड़े भी होते हैं उसी साइड मूव करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। वी कैन फील एयर when it moves, when wind moves slowly, it is called breeze. जब हवा चलती है तो उसे हम wind कहते हैं, लेकिन जब हवा बहुत धीमी धीमी यानी slowly slowly हवा चलती है तो इसे हम breeze कहते हैं यानी मंद पवन कहते हैं। when wind blow very fast, it is called strong. strong mostly comes with thunder, lightning and rain. It can cause damage to houses, crops and tree. इसमें बताया जा रहा है कि जब हवा तेजी से चलती है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं यानी तूफान कहते हैं। जब तूफान आती है तब बारिश के साथ बिजली भी कड़कते हैं और ये हमारे घरों को, फसल को या पेड़ पौधे को डैमेज करता है यानी नुकसान भी पहुंचाता है। नेक्स्ट देखिए, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी हवा जगह छेकती है। तो हवा जगह कैसे छेकती है आप समझेंगे इसे। टेक एन एम्प्टी पेपर बैग, ब्रिंग इट क्लोज टू द माउथ एंड ब्लो एयर इनटू इट। इट बिकम्स बिगर, व्हाई? सिमिलरली वी कैन ब्लो एयर इनटू अ बैलून। द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड दिस so that air occupies space. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं तो इसमें आप पहले ये खाली पेपर बैग को लीजिए या बैलून को लीजिए। तो जब हम बैलून या खाली पेपर को अपने मुंह के सामने लाते हैं और उसमें एयर यानी हवा को भरते हैं तो आप देखेंगे बैलून छोटा होता है, जब उसमें हम हवा भरते हैं तो वो बड़ा होते जाता है। इससे हमें पता चलता है कि हवा जगह छेकती है। अब आप नेक्स्ट देखिए, एयर हैज वेट यानी हवा में वजन है। तो आप कैसे पता करेंगे कि हवा में वजन है। वेट अ बैलून विथ नो एयर इन इट, देन ब्लो एयर इनटू इट एंड वेट इट अगेन। यू विल सी दैट बैलून विथ एयर इन इट हैज मोर वेट, हैंस एयर हैज वेट। आप इस पिक्चर में देखिए, ये तराजू है ना, उस पे आपको दिखाया जा रहा है एक जगह खाली बैलून को रखा गया है और एक जगह हवा से भरी बैलून को रखा गया है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों बैलून में वजन आपका, जिस बैलून में हवा भरा हुआ है उसका वजन ज्यादा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हवा में वजन भी होता है। नेक्स्ट देखिए, नीड ऑफ एयर यानी हवा की आवश्यकता। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। We cannot live without air. When we breathe, our nose and shoot out mouth for a while,
वी फील वेरी अनइजी व्हाई दिस इज बिकॉज वी डू नॉट गेट एयर टू ब्रेक एयर इज नीडेड फॉर लाइटिंग अ फायर एंड टू कीप इज बर्न सभी सजीव प्राणियों के लिए हवा की आवश्यकता होती है और हवा की आवश्यकता क्यों होती है हमें जिंदा रहने के लिए हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। आप देखते होंगे जब हम नाक और मुंह अगर एक साथ बंद कर लेते हैं तो हमें बेचैनी महसूस होती है क्यों होती है क्योंकि हम हवा को सांस नहीं ले पाते हैं। आपने देखा होगा कि आग जलने के लिए और उसे जलते रहने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द फैन ऑन ए विंड व्हील विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट्स आपको यहाँ पिक्चर में भी देखे विंड व्हील दिया हुआ है तो इसके पंखे को घूमने के लिए टर्न करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग विंड्स की जरूरत होती है यानी तेज हवा की जरूरत होती है और काइट्स को यानी पतंग जब हम उड़ाते हैं तो उसे उड़ाने के लिए भी हमें हवा की जरूरत पड़ती है। एयर कैन बी फायर्ड इनटू मैनी थिंग्स फुटबॉल स्विमिंग ट्यूब साइकिल ट्यूब ईटीसी हमें बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जिसके अंदर हवा की जरूरत होती है। देखिए आपका पिक्चर भी दिया हुआ है पहला फुटबॉल इसके अंदर ही हवा भरी रहती है स्विमिंग ट्यूब इसमें भी हवा भरी रहती है और साइकिल ट्यूब। तो ये आपका लेसन 9 कंप्लीट हो चुका है आपका लेसन खत्म है और मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे। थैंक यू।